BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जो स्पेन में 12 तारीख से शुरू हुआ था, उसमें कल इंडिया का टोटल 5 मैच था और 5 में से 2 मैच इंडिया ने जीते, जिसमें से एक लजबा मैच HS प्रणॉय ने जीता और दोनों इन्हें राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुका है। HS प्रणॉय का मैच मेन सिंगल का राउंड ऑफ 64 में वर्ल्ड नंबर 9 अभी हांगकांग का नागालंग एंगुस के खिलाफ था। इस मैच में पहला सेट HS प्रणॉय ने 13-21 में हारा था, उसके बाद लगातार दो सेट 21-18 और 21-19 के साथ जीतते हुए ये मैच अपने नाम किया। इससे पहले 2021 में HS प्रणॉय वर्ल्ड नंबर 1 एक्सेलसन को हराया था, वर्ल्ड नंबर 7 क्रिस्टे को हराया था, अब ये वर्ल्ड नंबर 9 को भी हरा चुका है। फिर मेंस डबल राउंड ऑफ 64 में एमर अर्जुन और ध्रुव कपिला को भी स्ट्रेट सेट में जीत मिला है डेनमार्क का जोड़ी के सामने। पहला सेट 21-18, दूसरा सेट 21-17 के साथ स्ट्रेट सेट में ये मैच अपने नाम किया और राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुका है ये जोड़ी। थर्ड मैच था मेंस डबल का राउंड ऑफ 64 में अरुण गर्ज और सयाम जो चाइना का जोड़ी के सामने स्ट्रेट सेट में हार गया है। 15-21 और 14-21 के साथ ये दोनों सेट हारते हुए मैच हारा और टूर्नामेंट यहीं पर ख़त्म किया ये जोड़ी। फिर मिक्स डबल में दोनों जोड़ी को हार मिला है, एक है भेंकट और जूही का जोड़ी जो डेनमार्क का जोड़ी के सामने 8-21 और 4-21 के साथ मैच हारे और टूर्नामेंट यहीं पे ख़त्म किया ये जोड़ी। दूसरा मिक्स डबल जोड़ी उत्कर्ष और करिश्मा को भी हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी का जोड़ी के सामने 20-22 और 16-21 दोनों सेट ही हारे और इसी के साथ टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म किए। अब दो दिन के बाद आज तीसरा डे में भी इंडिया का 5 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले मेन सिंगल के लिए दो दो खिलाड़ी लक्ष्य सेन जो जापान का केंटो निशामोटो के खिलाफ खेलेंगे, दूसरा सिंगल खिलाड़ी है के सिकान जो चाइना का ली शू फेंग के खिलाफ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भी ओमेन सिंगल के लिए PB सिंधु आज सल्बेकिया का मार्टिना रेपिस्का के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। मेन्स डबल के लिए एस रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का भी जोड़ी चाइनीज ताइपिन का जोड़ी के सामने खेलेंगे और मिक्स डबल के लिए सौरभ शर्मा और अनुष्का परिका जो मलेशियन जोड़ी के सामने खेलेंगे।